आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक करता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी आपको एक कंप्यूटर एक्सपर्ट मानते हैं तो आपको भी ये ट्रिक जानना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर मेरा जो ब्राउज़र था वो ब्राउज़र को ओपन कर लिया और यहाँ पर मैं अब सर्च करके दिखाऊंगा, कुछ भी वेबसाइट सर्च करके दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ यूट्यूब। मान लीजिए मैं यूट्यूब को हमारा कंप्यूटर सिस्टम या फिर लैपटॉप पर ब्लॉक करना चाहता हूँ या फिर फेसबुक को ब्लॉक करके रखना चाहता हूँ ताकि कोई उसे ना खोल पाए। तो फिलहाल तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम पर यहाँ पर देखिए, यूट्यूब मैंने सर्च किया और यहाँ पर मैं एक पेज और खोल लेता हूँ, facebook.com। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, फेसबुक और यूट्यूब दोनों ही यहाँ पर खोल रहा है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि आप यूट्यूब और फेसबुक को किसी भी लैपटॉप या फिर कंप्यूटर सिस्टम पर ब्लॉक कर सकते हैं तो कैसे करेंगे, इस ट्रिक को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल के हर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे। तो सबसे पहले आप रन बूट पर जाइए और वहां पर टाइप कीजिए ड्राइवर्स। जी हाँ दोस्तों, ड्राइवर्स टाइप कीजिए और ओके कर दीजिए। जब भी आप ड्राइवर ओके कर दोगे टाइप कर कर, तो यहाँ पर आपको एक फाइल दिखेगा, देखिए ए वाला ETC, इस पर जाकर ऊपर वाला जो फाइल है होस्ट, यहाँ पर आपको इस फाइल को ओपन कर लेना है। इस फाइल को ध्यान रखिए दोस्तों, नोट पैड पर खोलना है आपको। तो चलिए इसको हम नोट पैड पर खोल लेते हैं। अगर आपका कंप्यूटर पर एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन है तभी ये ट्रिक काम करेगा। तो उसके बाद यहाँ पर नोट पैड पर जाकर आप लोग एक IP एड्रेस टाइप कीजिए 127.0.0.2 और उसके बाद स्पेस देकर यहाँ पर उस वेबसाइट का नाम दे दीजिए जिस वेबसाइट को आप ब्लॉक करना चाहते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर दे दिया www.youtube.com, में यूट्यूब को इस कंप्यूटर सिस्टम पर ब्लॉक करना चाहता हूँ। उसके साथ फिर से आप यहाँ पर IP एड्रेस दे दीजिए 127.0.0। उसके बाद यहाँ पर आपको तीन टाइप करना है, पहले वाला दो था उसके बाद तीन। और फिर से अगर आप चाहते हो कोई भी वेबसाइट को ब्लॉक करना, उसके बाद यहाँ पर दो तीन उसके बाद फोर देना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने facebook.com दे दिया और उसके बाद आपको फाइल पर जाना है और फाइल पर जाकर इस को सेव कर लेना है। तो चलिए इसको हम लोग सेव कर चुके हैं। तो चलिए इस फाइल को बंद करते हैं और फिर से हम सर्च करके देखते हैं फेसबुक खुलता है या फिर नहीं खुलता है और यूट्यूब भी खुलता है या फिर नहीं खुलता है। तो चलिए इस पहले वाला टैब को हम सबसे पहले बंद कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं आप लोगों को सर्च करके दिखाऊंगा कि यूट्यूब और फेसबुक ये पेज खोलता है या फिर नहीं खोलता है। तो चलिए यहाँ पर मैंने सर्च कर लिया facebook.com, तो देखिए यहाँ पर नहीं खुल रहा है, दिस साइट कैन नॉट बी रीच, क्योंकि इस साइट को हमने हमारा कंप्यूटर सिस्टम पर ब्लॉक कर दिया है। तो अब चलिए देखते हैं यूट्यूब खुलता है या फिर नहीं खुलता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने यूट्यूब सर्च कर दिया, इस यूट्यूब भी इस कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पर नहीं खुलेगा। ऐसा करके आप किसी भी जो वेबसाइट है किसी भी वेबसाइट को खोल किसी भी वेबसाइट को बंद कर सकते हैं या फिर ब्लॉक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दूसरा वाला सब कुछ खुलता है लेकिन फेसबुक और यूट्यूब नहीं खुल रहा है। अब अगर आप इसको अनब्लॉक करना चाहते हो तो फिर से आप रन बूट पर जाइए, ड्राइवर सर्च कीजिए, एंटर कर दीजिए। उसके बाद ड्राइव फिर से यहाँ पर ETC पर जाइए और यहाँ पर जो होस्ट वाला फाइल था उसको फिर से आप नोट पैड पर जाकर ओपन कीजिए। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये ट्रिप आपके कंप्यूटर सिस्टम पर काम किया या फिर नहीं किया। तो चलिए इस IP एड्रेस को पहले फिर डिलीट कर देते हैं, उसके बाद फिर से इस फाइल को सेव कर लेते हैं और हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए अब नेट ऑन करके देख,
तो चलिए अब देखते हैं ब्राउज़र पर जाकर के यहाँ पर फेसबुक और यूट्यूब खुलता है या फिर नहीं खुलता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर फेसबुक अभी लॉगिन हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये खुल चुका है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँचे।